Alright. Hello and welcome students. Myself Kumar Saurabh. Today I'm present in front of you with yet another daily practice sheet, which is supposed to, you know, address all the problems that you have related to your critical reasoning section. And of course, we are also addressing the practice part as well. So basically what we are doing today is we are going to go through the passage first of all and then we'll try to solve all the questions which are related to it. So without wasting any more time, let's get started. Alright. So the passage goes like this. एनीथिंग फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी हैज स्कोप फॉर ग्रोथ सो एनी थिंग फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी हैज स्कोप फॉर ग्रोथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर देन वेन दैट यूनिटी मूव टू वर्ड्स इंटेग्रिटी द एम्पेटस फॉर ग्रोथ गेट्स स्ट्रॉगर तो पहले यूनिटी की बात की गई कि यूनिटी जिन चीजों में है उससे ग्रोथ का स्कोप जनरेट होता है अब जब ये यूनिटी इंटेग्रिटी की तरफ जाती है तो ग्रोथ का इंपेटस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये बात बोली गई माइंड ऑपरेट्स बाय डिवाइडिंग रियलिटी इनटू पार्ट्स एंड रिगार्डिंग ईच एज होल इन इट्स सेल्फ इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिविजन सो बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिविजन कैसे हमारा माइंड अलग अलग चीजों को डिवाइड करने की कोशिश करता है और जिन चीजों को जिन जिन चीजों में डिवाइड की गई उनको एज अ होल ट्रीट करता है इन दैट इट एक्सप्रेस यूनिटी थ्रू डिविजन ऑफकोर्स दैट्स द पॉइंट इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑल लाइफ एक्टिविटीज वर सेंटर्ड बेसिक सर्वाइवल ऑफकोर्स ये आप लोग सब जानते हो कि प्रिमेटिव सोसाइटी में अर्ली सिविलाइजेशन में सर्वाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ग्रो करना बाद में शुरू हुए हैं हम लोग फैमिली रिलीजन प्रोडक्शन फेस्टिवल्स ट्रेड एक्सेट्रा वर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ट एज सोसाइटी बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड ईच सेक्टर अक्वाय अफ ऑफ इट्स ओन

बट सोशल रियालिटी रिमेन्स अनडिवाइडेड एंड इंटीग्रेटेड तो आप देख रहे हो यहां पे कि बहुत ही नीचे लेवल से हमने शुरुआत करी पहले सर्वाइवल मेन एम था उसके बाद सर्वाइवल से ऊपर बढ़ के हम लोग एडवांसमेंट की तरफ गए अलग अलग स्पेशलाइजेश में गए और उन स्पेशन का भी स्पेशलाइजेशन हुआ ठीक है तो हर एक चीज छोटी होती जा रही है और स्पेशलाइज होती जा रही है एट द सेम टाइम ये चीज बताने की कोशिश कर रहे करंट थ्योरीज रिगार्ड इकोनॉमी एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इग्नोरिंग इट्स एक्सट्रिंक इट्स लिंकेजेस विथ पॉलिटिक्स लॉ इकोलॉजी कल्चर एंड द अंडरलाइंग फोर्सेज ऑफ सोशल पार Economics generally ignores the impact of subjective, psychological, and uh, cultural factors on economic and social outcomes or applies simplistic assumptions far removed from the real world. This fragmentation has been stretched to the point of regarding finance as a field of independent as a field independent of the real economy. So, अब करंट थ्योरीज के बारे में बात की गई जो कि इकॉनमी के बारे में बात करते हैं सो एज पर द करंट थ्योरीज आर थ्योरीजेंट दीज डेज इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्फीयर ऑफ एक्टिविटी पहली चीज उसके बाद इसके जो लिंकेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के साथ उसको इग्नोर करने की कोशिश की गई है ठीक है और फिर यह बात बताई गई कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है उसको इस पॉइंट तक स्ट्रेच किया गया है कि फाइनेंस को आज के टाइम में हम लोग एक इंडिपेंडेंट फील्ड मानते हैं इकोनॉमी को तो इस पॉइंट तक हम लोग स्ट्रेच कर चुके हैं तो कहीं कही ना कहीं आप देख पा रहे हो इकोनॉमी बहुत बड़ी सी चीज है और उसका फ्रेगमेंटेशन करके कर करके कर -कर हम इस पॉइंट तक आ गए कि फ्रेगमेंटेशन के भी फ्रेगमेंट को हम लोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग जरूर है इसको समझना बट डोंट वरी जस्ट कीप दिस दिस इन माइंड यू आर रीडिंग समथिंग लाइक तो आप क्रक्स समझने की कोशिश करो क्रक्स यहां पे क्या था क्रक्स और समरी बेसिकली ये था दैट बड़ी चीजों से हमने शुरुआत जरूर की थी क्योंकि हमारा एम उस समय सर्वाइवल का था बट जब सोफिस्टिकेशन की बात आती है एडवांसमेंट की बात आती है तो डिवीजन में हमें ज्यादा घुसना पड़ता है और हर एक डिविजन एक स्पेशलाइज फील्ड या एक स्पेशलाइज सेक्टर के फॉर्म में काम करता है बेसिकली इस चीज के बारे में बात हुई है इस पूरे पैसेज में सो द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज इफ द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द गिवन पैसेज आर ट्रू विच द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी ट्रू ऑल राइट हियर द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए द नीड फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स

इसी के बारे में बात हुई भी है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड इन द पैसेज राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट टेन टू रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेश इंस्टीट्यूशन काफी सिमिलर है क्वेश्चन वन के भी देन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर Which of the following does the author includes in his definition of real economy? I would say the right answer here is a which says an economy that takes psychological and cultural aspects into account. Last part of the paragraph which is clearly mentioned. Bhi thi. So let' us move on to the last question of this passage which of the following lines from the passage indicates that the mind can be deceived? राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी दीज डिविजन्स अपियर रियल टू द माइंड दीज मैंशन थी पैसेज में और वो यही इंडिकेट कर रही थी कि माइंड जो है आर माइंड आर ससेप्टेबल टू डिसीविंग बाई एनी फिना और एनी पर्सन सो दैट मार्क्स दिस पैसेज एंड द डिस्कशन रिलेटेड टू इट आई होप यू गैस अंडरस्टूड एवरीथिंग विच आई ट्राई टू डिस्कस and of course uh, in case there is one, there is any problem do let us know in the comment box and keep on watching our videos on the official channel of glad Gurugula. thank you so much for watching the video i'll see you next time till then take very good care of yourself thank you